सबको जय मसीह की। पहले आप सभी को फेस सिटी वर्शिप सेंटर चर्च की तरफ से हैप्पी ईस्टर, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की शुभकामनाएं देती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पिछले दिनों पर पसा पर्व के बारे में, यीशु मसीह क्रूस पर उठाए कष्टों के बारे में हम पिछले दिनों पर कई वीडियो के जरिए हम देख रहे थे। हालेलुया, वो वजने आपके जीवन में कभी आत्मिक उन्नति के कारण बना करके मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आज हम प्रभु के लोगों के लिए, पूरा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी के दिन है। हालेलुया, पिछले दिनों पर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाते समय लोग बहुत रोते हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया, हालेलुया, पर हमारा सब दुखों को दूर करते हुए, हमारा आंसू पोंछते हुए, हमारे सारे पापों से, बीमारी से हमें छुटकारा देते हुए, मौत पे भी जय पाकर यीशु मसीह आज जी उड़ा दिन है। हालेलुया, सारे लोगों के लिए, सारे दुनिया के लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा खुशखबरी के दिन है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ भाग देखेंगे। परमेश्वर ने मुझे दिया उस छोटा संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। सब लोग अपने बाइबल को ले ध्यान से ये परमेश्वर के वचन सुने। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। इसके हम छोटा पॉइंट में हम देखेगा तो पहला, यीशु मसीह जी उठकर जो रो रहे हैं, एक औरत की आंसू पूंज रहे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जो दुखी हैं, जो परेशान में हैं, उनकी आंसू को यीशु पूंज रहे हैं। सबसे पहले यीशु मसीह जी उठकर किया काम ये है, एक जो परेशान में एक व्यक्ति है उनको परमेश्वर तसली दे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं, एक आशा दे रहे हैं। हाँ, मैंने उसको दुख को परमेश्वर आनंद में बदल रहा है। हालेलुया। दूसरा, यीशु मसीह कहता है कि मैं आज भी मरा हुआ नहीं हूं, मैं आज जिंदा है। हालेलुया, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं आपका आंसू पोंछ सकता हूँ, आपके दुख बीमारी को मैं दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मरा हुआ लाश नहीं हूँ आज, मैं एक मूर्ति नहीं हूँ। हालेलुया, मैं एक जिंदा हो गया एक व्यक्ति, मैं एक जिंदा हूँ। हालेलुया। और तीसरा बात हम ये देते हैं, प्रभु अभी कहते हैं अभी और धरती और पाताल सारे अधिकार, ये धरती और पाताल में जो भी अधिकार है सारा कुछ मेरे हाथों पर दिया गया है, सबका कुंजी अभी मेरे हाथों पर है। हालेलुया, वो अधिकार परमेश्वर हमें भी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम इस भाग को, एक एक भाग को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, पहले यूहन्ना रसूल समाचार उसका 20वां अध्याय उसका 1 से 16 तक वचन हम पढ़ेंगे। सब लोग अपना किताब में जो बुक आप हाथ में लेके आए हैं उसमें आप नोट कीजिए, यूहन्ना 20वां अध्याय उसका 16वां वचन तक। पर हम 16 वचन पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ वचन हम पढ़ेंगे उसका पहला वचन में से पढ़ेंगे। हफ्ते दे पहले दिन मरियम मगदलीनी तड़के जदों अनेरा सी कबर उते आई और पत्थर नु कबर उतो सरकाया होया वेख्या, ता ओ शमोन पत्रस और उस दूजे चेले दे कोल जिनू यीशु ते करदा सी भजी आई अते उन्हां नु आख्या, प्रभु नु कबर विचों कढ लै गए अते सानू पता नहीं पाई ओनू कित्थों रख्या। उपरंत पत्रस और दूजा चेला निकले अते कबर दे वल गए और ओ दोवें इकट्ठे भजे, पर दूआ चेला पत्रस नालों छेती भज के अगे लंघ गया अते कबर कोल पहला आया अते उने न्यो के जा झाती मारता कताणी कपड़े पाए होए टिठे, पर ओ अंदर ना गया। तद शमोन पत्रस भी ओदे मगरों आ पुज्या अते कबर दे अंदर जाके की वेखदा है जो कताणी कपड़े पाए होए हन अते ओ रुमाल जेड़ा उसदे सिर उत्ते बंदा होया सी उन्हां कताणी कपड़ियां दे नाल है नहीं, पर बलेटिया होया एक थां वखरा पिया है। सो तद ओ दूआ चेला भी जो कबर उत्तों पहला आया सी अंदर गया अते उन्हें वेख के प्रतीत कीता, क्यों जो उन्हां अजे इस लिखत दा अर्थ नहीं समझिया सी भाई उसने मुर्दियां विच्चों जी उठना है। ता ओ चेले अपने घर नू फेर मुड़ गए, पर मरियम बाहर कबर उत्ते रौंदी खड़ी रही। बस
हालेलुया हालेलुया। इसके आगे भी आपको वजन बढ़े, हालेलुया। परमेश्वर के वजन में हम यूहन्ना रसूल समाचार 20वां अध्याय में हम क्या देखे हैं, हालेलुया। पहले मरियम मगदलीनी और याकूब और यूहन्ना की माँ मरियम और शलोमी, ये तीन औरत ये एतवार के दिन सुबह सुबह, हालेलुया, शुक्रवार के दिन, हम अभी की भाषा में हम समझने के लिए हम ऐसे दिनों को मैं समझाना चाहती हूँ, ऐसे बोलना चाहती हूँ। शुक्रवार के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया, शनिवार के दिन शब्द के दिन है, शनिवार के दिन कोई काम नहीं कर सकते, कोई बाहर जाना आना मना है, हालेलुया। इसलिए शुक्रवार शाम को ही यीशु का लाश को, यीशु का उस शरीर को लोगों ने मिलकर, कुछ स्त्रियों ने मिलकर, कुछ भाई लोगों ने, यीशु को जो चेले हैं, कुछ लोग मिलकर यीशु के शरीर को एक नया कब्र में रखा गया। अभी दूसरे दिन यीशु मसीह को देख नहीं सकते, तीसरे दिन सुबह सुबह कुछ सुगंध वस्तुओं को लेकर, कुछ इत्र, कुछ परफ्यूम्स लेकर, कुछ औरत यीशु की लाश पर उस इत्रों को डालने के लिए आ रहा है। वो रास्ता में सो सोच कर आ रहे हैं, मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय में इसके बारे में लिखा है। वो औरत ने सो सोच कर आ रहे हैं, अरे हम तो जा ही तो रह रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा पत्थर यीशु की कब्र के सामने रखा गया है। उसमें अकेला वो पत्थर नहीं है, उस पत्थर के ऊपर रोमन सरकार की मुहर भी है। ये पत्थर तो हम तीनों औरतों से वो हटा नहीं जा रहा है, ये फिर भी वो विश्वास से एक उम्मीद के साथ टेंशन लेते हुए वो क्या कर रहे हैं, उस कब्र के पास गया। जब उधर जाते समय उन्होंने क्या देखा, कब्र के सामने रखा वो पत्थर हटाया हुआ देख मरियम ने क्या किया, भागकर चेलों के पास गया। अरे हमने जब जाकर देखा क्या है, यीशु की कब्र के सामने रखा पत्थर हटाया हुआ है। तब यीशु के चेलों में से दो चेले भी क्या किया, भाग रहे। ध्यान से सुनना, पत्रस और दूसरा चेला है यूहन्ना, क्योंकि वचन में प्रभु ये मत्ती यूहन्ना रसूल समाचार में ऐसे हम उसका दूसरे वचन में लिखा है, दूसरे चेला को प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार किया हुआ चेला है, वो कौन था, यूहन्ना था, हालेलुया। अभी पत्रस और यूहन्ना ये मरियम मगदलीनी से भी और आगे भागे, सबसे पहले पहुंच गया। परमेश्वर ने सबसे पहले सबसे ज्यादा प्यार किया यूहन्ना, कब्र का बाहर पहुंच गया। उसने क्या देखा, उसने झुक कर कपड़े पड़े हैं देखा, पर फिर भी कब्र का अंदर नहीं गया। परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार किया व्यक्ति कहां तक पहुंच गया, यीशु मसीह की कब्र तक पहुंच गया। उसने दूर से देखा कि हाँ यीशु की कब्र अभी खाली है। पत्रस ने इतना तो किया, वो कब्र का अंदर चले गया, यीशु मसीह का कपड़ा वगैरह देखा, वो सिर में बांधा हुआ रुमाल को वो सब कुछ देकर उसने विश्वास किया, यीशु अभी इधर है नहीं। ये दोनों ने, एक जन ने दूर से यीशु की खबर देखा खाली है, उसमें वो तृप्त हो गया, चले गया। पत्रस ने क्या किया, यीशु की खबर का अंदर चले गया, कपड़ा वगैरह देखा, वो यीशु के सिर में बांधा हुआ रुमाल देखे, वो ठीक है, उसने सोचा चलो ठीक है यीशु मसीह जी उड़ा है, वापस चले गया। लेकिन उसके 11वां वचन में हम क्या लिखा है, परंतु मरियम रो रो कर वहीं पर खड़ी रही। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ दिन रात चले फिरे चेले, बहुत सारे चमत्कार देखे चेले। शायद ये बहनों को इतना सुसमाचार सुना नहीं होगा, उन्होंने इतना कुछ नहीं देखा नहीं होगा, पर यीशु मसीह के साथ दिन रात बैठकर यीशु की प्रचार सुनकर, यीशु जो कुछ बोला था सब कुछ सुनने का, अनुभव करने के गवाह है यीशु के 12 चेले। वो लोग क्या किया, बस यीशु की खबर खुला है देखकर चले गया, बस उनको उसमें वो तृप्त हो गई। पत्रस भी वो कपड़ा देखकर तृप्त हो गया, यीशु जी उड़ा है, पर वो बहन मरियम मगदलीनी उसका दिल टूट गई। वो वचन में लिखा है वो रो रो कर वहीं मर खड़ी रही, वो रोती भी है, बीच में वो खबर की तरफ देखती भी है,
वो बेचारी वो कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है। वो सोची जो यीशु के चेलों को जितना पता था पर इतना ये बेचारे को पता नहीं है, इसलिए वो क्या कर रही है, रो रो कर वो कब्र की तरफ देख रहे हैं। उसको मन में ये सोच है क्योंकि एक वाटिका में बना हुआ एक कब्र के अंदर रखा गया यीशु की लाश को, उसने सोचा ये मालिक उठा के उसको लेके गई होगी यीशु की लाश को। वो रोते रोते समय उधर एक आवाज आ रहा है, क्या आवाज आया, हे नारी तू क्यों रोते हैं। कैसे आवाज आया, हे नारी हे स्त्री तू क्यों रोती है। उसने रोते रोते हुए बोल रहा कि मेरे यीशु मसीह का लाश को इधर है नहीं है। हालेलुया, उसने क्या क्या बोल रही है, यीशु मसीह की लाश इधर है नहीं। हालेलुया, वो रोते रोते समय बीच में देखा दो स्वर्गदूत उधर बैठा है, चिट्टे रंग के कपड़ा पहनकर दो स्वर्गदूत बैठा है। वो बोल रहे यीशु इधर है नहीं, वो जी उड़ा है। ऐसे रोते समय पीछे से एक आवाज आया, हे स्त्री तू क्यों रो रही है। उसने सोचा ये वाटिका की मालिक होगा, इसने वो तुरंत पूछ रही है, हे मालिक अगर तूने उसको इधर से उठा के कहीं लेके गया तो तू मुझे बता कहां उसका लाश को रखा है, मैं लेके चलूंगी। हालेलुया, उसको काले कब्र देके उसका मन में चैन नहीं आया, काले यीशु का कपड़ा देखकर उसका मन तसल्ली नहीं आया, उसको यीशु को मिलना चाहा। बोले मेरे यीशु को क्या हो गया। हालेलुया, यीशु के सारे दर्द भरी वो जिंदगी, दर्द भरी वो हालत मरियम को बहुत तोड़ दिया। क्योंकि ये मरियम क्यों इतना प्रभु के प्यार करने के कारण, क्योंकि ये बहुत एक पापी औरत थी, उसमें सात दुष्टात्मा से भरी हुई एक औरत से इतनी गंदगी भरी जिंदगी थी, यीशु ने उसका जीवन को बदल दिया, इसलिए यीशु को वो बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया, अब देखो यीशु की लाश को वो मिली ना, वो कितना घबराहट से बोल रहे हैं, हे मेरा मालिक अगर यीशु को तो कहीं पर रखा है तो मुझे बताओ मैं उसको लेके चलूंगी। एक औरत है, एक पूरा आत्मे को उठाने की हिम्मत नहीं, फिर भी वो कह रही है मैं उठा के ले चलूंगी। तब एक दूसरा आवाज आया, हे मरियम। हालेलुया, हे मरियम, मेरे प्रिय भाई बहनों, उस शब्द से उसका दिल टूट गया, ये मेरा प्रभु की आवाज है, ये मेरा गुरु की आवाज है। हालेलुया, हाले वो बहुत घबराहट से बोले, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरा गुरु। हालेलुया, आप वो यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय में पढ़ सकते हैं, वो बहुत रोती हुई देखो रहे मेरे मालिक ये मेरे प्रभु जी करके वो पुकार रही है यीशु का। हालेलुया, मुझे आप मत छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया, मुझे आप मत छोड़ो, पर तुम एक काम करो, जो मैंने जी उड़ा है तुम्हें यह दर्शन दिया करके मेरे चेलों को और पूरे दुनिया को तू गवाही देना। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे प्रभु किसी के आंसू देकर चले जाने वाला प्रभु नहीं है। सबसे पहले जी उड़कर यीशु ने क्या किया, एक को रोते हुए एक औरत के आंसू पहुंच रहे हैं। हमारे प्रभु कितना दयालु है, उन्होंने ये नहीं सोचा मैं अभी जी उड़ा हूं, ऐसे छोटे मोटा काम मैं नहीं करूंगा ना। वो उस मरियम को लोगों ने तुच्छ समझा था, लोगों ने पापी समझा था, लोगों में निकम्मा समझा था, एक औरत को प्रवेश में से सबसे पहले प्रत्यक्ष हुआ और उसको एक ड्यूटी दे रहे हैं, ये खुशखबरी तुम जाके मेरे चेलों को बताओ। मेरे प्रिय भाइयों, चेले जो कहते हैं बड़ा गवाह बोलते हैं, बड़े मतलब ज्ञान बोलते हैं, उन लोगों को ये भाग्य नहीं मिला, एक साधारण औरत को ये मिला। उसने भी उसके लिए वेट भी किया। पत्रसुर यूहन्ना जस्ट काली खबर देकर चले गया, उनको बस उसमें वो तृप्त हो गई, पर ऐसे मरियम तृप्त नहीं हुई। जब तक यीशु को नहीं मिलेंगे तब तक वहीं से वो जाने के लिए भी वो भी नहीं बोली, मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरे को यीशु को मिलना है। वो रोती रही रोती रही। पहले स्वर्गदूत भी इसको दर्शन दिया, अरे स्वर्गदूत को देख के भी वो चली नहीं गई, फिर भी वहीं पर खड़ी रही, ना काली खबर देके मैं नहीं जाऊंगी, काली कपड़ा देके मैं नहीं जाने वाली,
स्वर्गदूतों को भी देखे मैं जाने नहीं वाली। मैं जब तक यीशु को नहीं देखूंगी तब तक ये जगह छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया, उसके इच्छा को प्रभु ने पूरा किया। प्रभु यीशु को पता चला ये ऐसे नहीं जाने वाली। आखिर में यीशु सबसे पहले वो पवित्र दर्शन उस व्रत को दे रहा है, उसको फिर दूसरे को ड्यूटी भी दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, यीशु मसीह जी उड़कर आप सबसे पहले कब्रत की रोना दूर कर रहे, उसका दुख को खुशी में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हमारा परमेश्वर है। अगर कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, कुछ लोग चर्च में आते हैं, भाई हमारे लिए प्रार्थना करो सिस्टर जी, हम ऐसे परेशान में हैं, हम ऐसे बीमार में हैं, हम गरीब हैं, हमारा आशीष के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चंगाई देते हैं, बस उनके लिए वो काफी है। कुछ लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तोबा करेंगे, नाम लेंगे, हम एक अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं, बस कुछ लोग उसमें खुश है। पर कुछ लोग असली में चाहते हैं नहीं, मेरे की चंगाई की मिलने के कारण, एक आशीष मिलने के कारण मैं तृप्त नहीं हूंगा, जब तक मैं प्रभु को असली असली में सचमुच प्रभु को जब तक नहीं पाऊंगी, प्रभु की आवाज को जब तक नहीं सुनूंगी, जब तक मैं प्रभु को नहीं देखूंगी तब तक मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे हिम्मत भी कुछ लोग जीवन में होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे होना चाहिए। हम औरत है, आत्मी है, हम कितने साल पुराना विश्वास है, ये कोई मैना नहीं रहती। हालेलुया, अगर आपके अंदर एक टूटे हुए दिल है तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर अपना काम करेगा, वो खुद आपसे बात करेगा। हालेलुया, बड़े बड़े लोगों को मिलाने ही भागे, छोटे छोटे लोगों को परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए आप उत्साह रहिए। दूसरा बात हम देते हैं लूका रसु समाचार उसका 24 अध्याय उसका 5वां वचन में हम क्या देखते हैं। लूका रसु समाचार 24 अध्याय उसका 5वां वचन, जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रहे तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को जीवदे को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, वे यहां नहीं परंतु जी उठा है। हालेलुया, हम पंजाबी में पढ़ के सुनेंगे लूका 24 की 5, सब लोग बाइबल खोल कर निकाले। लूका समाचार 24 अध्याय उसका 5 और 6वां वचन, जा ओ डरदियां अति अपने सिर जमीन दी वल चुकौंदियां सन ता उन्ना इन्ना नु आख्या, तुसी जिउंदे नु मोया विच क्यों पालदे हो, वो एथे है नहीं पर जी उठ्या है, चेते करो कि गलील विच हुंदियां उसने तुहानू किकुर कहा सी। हालेलुया, इस वचन में हम देखा है पहले मरियम की आंसू पहुंचा, दूसरा प्रभु ये हमें दिखाता है कि आज मैं जिंदा हूं। हालेलुया, आज मैं क्या हूं, जिंदा हूं। तुम्हारा आंसू मैं पहुंच सकता हूं, मैं कोई लाश बनकर नहीं हूं, खड़ा हूं या पड़ा हूं, आज मैं जिंदा हूं। हमारा परमेश्वर जिंदा है। रोमियो की किताब पहला अध्याय में उसको लिखा है, रोमियो पहला के 21 में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, उसको मरे हुए में से हम ढूंढना नहीं है। हालेलुया, अविनाशी परमेश्वर के रूप को दुनिया के लोग आज लोगों ने किस किस रूप में बदल डाला है। हालेलुया, प्रभु कहता है मैं आज जिंदा हो गया हूं। हालेलुया, ठीक है आप लोग मुझे खबर में रख लिया, मैं अभी भी खबर में नहीं हूं, मेरा खबर खुला है। रोमियो 1:21 पढ़े, भावे उन्होंने परमेश्वर नु जान लिया पर ता भी परमेश्वर दे योग वड़ाई ना कीती, ना ओदा धन्नवाद कीता, सगों अपनियां सोचां विच निकम्मे बन गए अते उन्हां दे बुद्धहीन मन अनेरे हो गए, ओ आप नु बुद्धिमान मन के मूर्ख बन गए अते अब अविनाशी परमेश्वर दे प्रताप नु नाशवान मनुख अते पंछियां अते चौपाइयां अते किसरण वाले ज्यो जंत दे रूप दी मूरत नाल वटा दित्ती। हालेलुया, इस वचन में हम स्पष्ट में पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह का खबर आज भी खुला है, पर फिर भी दुनिया के लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद, प्रभु जिंदा है करके देखने के पता चलने के बाद भी अविनाशी परमेश्वर को लोगों ने किस रूप में बदल डाला, इंसान जंतु जानवर पक्षियों के रूप में डाला, पक्षियों के रूप में बदल डाला। हालेलुया, आज इंसान को पूजा करने वाला लोग है,
जो रोंदने वाला जीव जंतुओं को पूजा करने वाले लोग हैं। हालेलुया, कई प्रकार के जीव जंतुओं को पूजा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के सृष्टि को पूजा करने वाले लोग हैं। परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ये कहता है, तू जिंदे परमेश्वर को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो? इंसान आज मर जाए, कल उसको मिलेगा? नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जीवित, अभी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया, यीशु की मौत हो गया, यीशु को खबर में रखा गया। शुक्रवार शनिवार यीशु खबर के अंदर थे कि यीशु वहीं से कहां चले गया। प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है, यीशु पाताल में जाकर और जो परदेसा में है उनको जाकर दिखाया कि जैसे आप लोग भविष्यवाणी किए थे हजारों हजारों साल पहले। यशया नबी जब यीशु मसीह की क्रूस के बारे में बताया, क्रूस में यीशु मसीह जो कष्ट सहने वाला है वो बताया, यशया नबी की किताब 6 अध्याय में या 8 अध्याय में लिखा है, एक बालक जन्मेगी, हालेलुया, एक स्त्री गर्भवती होकर बालक जन्मेगी, वो उद्धारकर्ता प्रभु है, सब कुछ लिखा। अभी देखिए यीशु को यशया ने नहीं देखा, पर यशया जगहों पर परदेसा में जगहों पर आराम कर रहे हैं, वहीं पर जाकर यीशु अपने आप को प्रकट किया कि यशया जो यरमिया जो हे दाऊद, तुम लोग जिसके बारे में भविष्यवाणी किया वो मैं सचमुच उद्धार करता धरती पर मैं आया हूं। हालेलुया, उस वचन उस भविष्यवाणी पूरा हुआ करके उस परदेसा में जाकर अपने अपने संतों को अपने भक्तों को भी दिखाया। हालेलुया, और पाताल में भी गया जाकर जो लोग दंड में हैं, जो लोग अभी तक मर चुके हैं प्रभु में नहीं मरे हैं उनको भी बताया। अरे मूर्ख लोग, कितनी बार सुसमाचार सुनकर भी तुम लोग अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, अभी देखो मैं सचमुच उद्धार करने वाला मैं आया हूं। हालेलुया, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, वो कहता मैं आज भी जिंदा हूं, जिंदे जीवित परमेश्वर को मरे हुए के स्थान नहीं देना, उनके बीच में हम ढूंढना भी नहीं चाहिए। हालेलुया, तीसरे यीशु मसीह कहता है, अभी स्वर्ग और धरती की सारे अधिकार मेरे हाथों पर है, इसलिए तुम लोग जाओ। हालेलुया, वो अधिकार से प्रभु यीशु हमें कहते हैं, उस अधिकार हमें देके अपने बच्चों को देते हुए यीशु क्या संदेश दे रहे हैं जी उठने के बाद। हालेलुया, मत्ती रसु समाचार उसका 28 अध्याय उसका 18-20 वचन हम पढ़ेंगे। अते यीशु ने कोल आन के उन्हां नाल गल्लां कीतियां अते आख्या, आकाश अते धरती दा सारा इख्तियार मैनू दित्या गया है, इसलिए तुसीं जाके सारियां कौमां नूं चेले बनाओ अते उन्हां नूं पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्मा दिओ और उन्हां नूं सिखाओ भाई उन्हां सारियां गल्लां दी पालना करन जिन्हां दा मैं तुहानूं हुक्म दित्ता है, अते वेखो मैं युग दे अंत तीकर हर वेले तुहाडे नाल हां। हालेलुया, हम इस परमेश्वर के वचन से क्या देखा है, प्रभु अपने बच्चों को अधिकार दे रहे हैं। ये अधिकार यीशु मसीह को ऐसे नहीं मिला है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र का स्वर्ग से आया इसलिए उन्हें ऑटोमेटिकली यीशु के पास ये अधिकार सब कुछ है, ऐसे नहीं समझना, ऐसे नहीं सोचना। हालेलुया, यीशु मसीह स्वर्ग की सारे महिमा हमारे लिए छोड़कर धरती पर आया, आप दोबारा उस महिमा में प्रभु यीशु प्रवेश करने के लिए यीशु के एक बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। हालेलुया, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका लास्ट में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कष्ट उठाया, उस कारण परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा आदर सम्मान भी दिया। हालेलुया, जो चीजें वो छोड़ कर आया वो सब कुछ उसको दोबारा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, शैतान उस मकसद से यीशु को पीछे हटाने के लिए बहुत कोशिश किया। मत्ती रसु समाचार 4 अध्याय में हम सभी को पता है शैतान यीशु को परख रहे हैं। शैतान कितने बार यीशु को परखा? 3 चीजों के जरिए शैतान यीशु को परखा। तीसरी बार शैतान यीशु को परीक्षा कर रहा है, ये यरूशलेम की एक सबसे ऊंचे स्थान पर यीशु को लेके गया, लेके जाके
धरती और आसमान दुनिया की सारी महिमा यीशु को दिखा रहा है। हालेलुया, दिखा कर कहता है बस इधर कोई नहीं है, मैं और तुम है, माड़ा सा मुझे माथा टेक, जो कुछ तुम दिख रहे सब कुछ ये तुम्हारा हो जाएगा, चुड़की में काम हो जाएगा। हालेलुया, शैतान क्या बोल रहे हैं, अबे अरे तुम क्रूस पर अपना जान देने की कोई जरूरत नहीं है, इधर कोई नहीं देखता, माड़ा सा तुम्हारा सिर थोड़ा सा मेरे सामने झुका, ये जो सारा कुछ तुम्हारे हाथों में रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या शैतान ऐसे देने वाला है क्या? हालेलुया, शैतान झूठ और झूठ की बाब है। शैतान को यीशु के मकसद से यीशु को हटाना चाहता है, यीशु को भी अपना गुलाम बनकर रखना था, पर यीशु ने उस परीक्षा को पार किया। यीशु ने कहा अरे तुम्हारा चुटकी में मेरे को कुछ नहीं पाना। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है कल परमेश्वर के समक्ष तुम मत्था टेकना, उस परमेश्वर का नाम के भी तुम आराधना करना है। शैतान तुम्हारे सामने मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। हालेलुया, जो आशीष मेरे को चाहिए, जो मेरा पदवी है, वो मैं सही ढंग से पाऊंगा, सही राह पर चल के मैं उसका अनुभव करूंगा, कोई दूजा नंबर के काम लेकर दूजा रास्ता से मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, वचन में लिखा है यीशु मसीह अपना क्रूस पर अपना जान दिया। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। ओदी जेड़ा साडे नाल प्रेम करता है अते जीने सानू अपने लहू नाल साडे पापा तो छुड़ा दिता अते उसने सानू एक बादशाही बनाया भाई असी ओदे परमेश्वर अते पिता लई याजक बनीए, उसे दी महिमा अते पराक्रम युगो युग होवे। हालेलुया, इस वचन में हमने क्या देखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमें छुटकारा नहीं दिया है। हालेलुया, हमें जो प्रेम रखता है हमारे ऊपर, और वो परमेश्वर ने क्या किया, उसने हमें अपने लहू के द्वारा हमारा पापों से हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया, परमेश्वर हमें अपना पवित्र कुर्बानी के जरिए हम मुझे और आपको छुड़ा है, और अपने लिए एक पवित्र और राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। हालेलुया, परमेश्वर चुड़की में हमें मूल नहीं लिया। शैतान कहते ये दुनिया पूरा मेरा हाथों में, ये लोग पूरा मेरे हाथों में। सही में हम पाप करके परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके थे, हम शैतान के गुलाम में थे। शैतान क्या बोल रहे, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम क्या करना, एक बार मुझे मत्था टेको, बस थोड़ा सिर तुम्हारे झुकाओ। पर यीशु को पता है ये झूठ और झूठ की भाव है, ये मुझे भी, मैं इस लोगों के दुनिया की लोगों को पहचाने के लिए मुझे भी ये अपना वश में डालने के लिए सोच रहा है। इसलिए यीशु क्या किया, वहीं पर उस परीक्षा में यीशु गिरा नहीं, यीशु वहीं पर खड़े रहा, क्योंकि यीशु को हम नजर आया। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए यीशु में सपने पवित्र लोह की तरह हमें बचाया है। हालेलुया, उस वचन में लिखा है उसका 1:18 अते ज्योंदा हाँ, मैं मुर्दा सा और वेख, मैं युगो युग जींदा हाँ, अते मौत अते पताल दिया कुंजियां मेरे कोल हन। हालेलुया, यीशु ये सारे अधिकार कैसे पाया है? हालेलुया, प्रभु यीशु खुद कहता है मैं मरा हुआ था पर अभी मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, मैं अभी जिंदा हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास ही है। हालेलुया, इसलिए प्रभु कहता है सारे धरती के अधिकार मेरे हाथों में दिया गया है, इसलिए आप लोग जाओ, बीमार लोगों को चंगा करो, हालेलुया मुर्दों को जिंदा करो, हालेलुया कोढ़ियों को शिफा दो, दुष्टात्मा को दूर करो। हालेलुया, परमेश्वर कहता है परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के बारे में दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह के जीवने का बहुत खुशी की हम दिन मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह दूसरों का आंसू पहुंचा है, दूसरों को ये कहा तुम लोग कभी अनाथ नहीं है। हालेलुया, मैं जिंदा हूं आपके लिए, हर वक्त तुम्हारा हर संकट के समय तुम मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं आज भी सर्वशक्तिमान हूं, मैं आज भी जिंदा हूं, तू कभी, तुम्हें कभी मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग कभी अनाथ नहीं है,
मैं जी उड़कर ऐसे इधर से अप्रसित हो गया, ऐसे भी नहीं हूँ, मैं तुम लोग बीच में हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर रहकर कम से कम 500 लोगों के ऊपर लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपना दर्शन दिया, उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया, यीशु मसीह क्यों स्वर्ग में चले गया ये हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। हालेलुया, अभी यीशु मसीह की हम पसा के पर्व के बारे में, यीशु मसीह धरती पर आने का मकसद के बारे में हमने देखा, यीशु मसीह की क्रूस पर यीशु मसीह क्यों अपना जान कुर्बान किया और यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, क्यों यीशु मसीह को कुछ टाइम के लिए कब्र में रखा गया, क्योंकि जो लोग हालेलुया स्वर्ग में है, जो लोग परदेसा में आराम कर रहे हैं और जो लोग पाताल में है, उनको जाकर कहा जो आप लोग एक उद्धारकर्ता के लिए वेट कर रहे थे, जो लोग एक उद्धारकर्ता के बारे में सुसमाचार सुनने के बावजूद भी उसको मजाक उड़ा रहे थे, उन लोगों को जाके बताया कि आप लोग मजाक उड़ाए, सचमुच में आया हूँ। जो लोग इसके बारे में भविष्यवाणी किया यीशु के बारे में, उनको जाके कहा हे मेरे प्रिय दास लोगों, जो आप लोग भविष्यवाणी किया मैं सचमुच ही पूरा हुआ, वो परमेश्वर उनको दिखाया, तीसरे दिन जी उड़कर अपने लोगों को दिखाया। सबसे पहले किसको दर्शन दिया? मरियम मगदलीनी को। हालेलुया, एक औरत को ये भाग्य मिला है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के चरणों पर कोई पक्षपात नहीं है। हालेलुया, आत्मीय औरत है, बच्चा है, ऐसे कुछ नहीं है। जो टूटे हुए दिलों का बहुत नजदीक रहता है परमेश्वर मसीह, और ये कहता है मैं आज भी जिंदा हूँ और तुम लोग मेरे बच्चे हैं। वो अधिकार तुम्हें दिया जाता है क्योंकि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा संग रहूंगा करके परमेश्वर वायदा करके हालेलुया अपना अधिकार हमें देकर स्वर्ग में वो चले गया। हालेलुया, अगले वीडियो में हम मिलेंगे परम प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में क्यों चले गया। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, सबको जय मसीह की। आइए हम सब एक मिनट अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते इस वीडियो के जरिए, प्रभु अपने बच्चों को मिलने के लिए तुमने भाग्य दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों पर तूने हम सभी को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते, तू हमें इतना प्यार करते हैं प्रभु जी, तेरे प्यार के लिए तेरे कुर्बानी के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। तूने सचमुच अपने प्यार को प्रकट किया, आज खुदावंदा तू जिंदा हुआ है प्रभु जी। हाल हम जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं वो कोई हालेलुया मरा हुआ लाश नहीं है, एक मूर्ति नहीं है, हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदावंदा। ताकि हम जब भी संकट के समय, जो कोई भी टाइम में हम आपको पुकारे, आप हमारे नजदीक मददगार है परमेश्वर, आप आज भी जिंदा है परमेश्वर। तूने परमेश्वर तूने कहा हालेलुया, शेर ते सांप के ऊपर हालेलुया कुचलने का लताड़ने का अधिकार मैं तुम्हें दिया है, उस अधिकार भी तूने हमें दिया है प्रभु जी। हाल तू हर एक अंग से आंसू पूंजने वाला हमारे प्यारे परमेश्वर है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद कर। आज वचन सुना मैंने सुनाया, अपने बच्चों को अनुग्रह कर, आशीष कर, उनके जीवन में एक नया आशा दे। हालेलुया, हम कभी अनाथ नहीं है, हम कभी अकेला नहीं है, हमें हमेशा मदद करने वाला एक प्रभु हमारा जिंदा है, हमारा साथ है करके एक उम्मीद, एक नया आशा आपका जीवन, अपने बच्चों के जीवन में उठेल प्रभु जी। अनुग्रह कर खुदावंदा, आशीष कर परमेश्वर। जब तक हम अगले वीडियो के जरिए हम मिलेंगे नहीं, तब तक अपने बच्चों को संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना प्रभु। धन्यवाद करते ये आज के ईस्टर के दिन सभी के जीवन एक नया आशा, एक नया अनुग्रह के कारण बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुने, धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, एक और बार आप सभी को हैप्पी ईस्टर, लव यू, थैंक यू।